अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल? सारे ठीक हो? अल्लाह तुसां के ठीक रखन से दिन इसे दुआ नाल जी। अज नी वीडियो ना करनी है आगाज तकनी उस पे के मैं चिकन की लाने लगी हूँ मसाला। चिकन की मसाला लाने लगी असन घर कुछ अच्छे लगे सन मेहमान तो उन्हें कि मैं ऐसी खाना तो असान घर ही खाए तो तकनी उस मसाला लाने लगी हाँ। तकरीबन एक दिन पहले मैं मसाला लाया सी, मैं लाया सी शान तंदूरी मसाला। मैं ज़्यादातर शान ना ही मसाला इस्तेमाल करनी है क्योंकि शान मसाले जो नाइस जायके लिए होने ना, उन्होंने कलर भी नाइस होना तो जायका भी नाइस होना। मैं तकरीबन 2-2.5 किलो चिकन लिया सी, उसने विच मैं एक डब्बा लाया सी क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं सन खाने, इस वास्ते फिर मैं उन्होंने मुनासिब तो मैं एक ही डब्बा लाया सी, मैं ज़्यादा नहीं सी लाया। तो तले तो पहले मैं एक कप दही लाया सी तकरीबन 2 घंटे पहले, क्योंकि अगर तलने तो पहले दही या सिरका लेमन कुछ भी लाई छोड़ो उसका जायका टेस्ट थोड़ा जहा ज़्यादा नाइस होना। फिर इस वास्ते मैं दो घंटे पहले जिस टाइम तरह लगी सोच तो 2 घंटे पहले मैं इसी दही लाई छोड़ा सी। तुसें अगर दही नहीं है तो सिरका भी लाई सकने हो, 2-3 चमचा या लेमन लाई सकने हो। कुछ लोग इसी ओवन च बेक करने तो कुछ फ्राई करने, मैं इसी वैसे फ्राई किया। दूसरे दिन मैं बनाने गई सर लबशीरी। लबशीरी वास्ते बनाने वास्ते मिकी मैं 2 लीटर तकरीबन दुध लिया सी, 2 लीटर दुध लिया सी। दुध में रखा सी गर्म होने वास्ते ते लबशीरी वास्ते बनाने वास्ते जिन्हें चीज़ों की जरूरत होनी है वह मैं तुम्हें दसनी है। उसने वैसे चाहिए सी कॉकटेल फ्रूट, उस तो बाद मैंगो रिफाइंड मैंगो कस्टर्ड लिया सी। रिफाइंड लिया मैं वैसे यूज़ करनी है जी भी कोई मीठा बनाना होए तो। रिफाइंड जली रही सी, चीनी रही सी ते दनक सेमियां, एक जेड़ी मर्जी तुस कंपनी ले सकने हो, अवे सारे स्टोर पर होनी तो मैंगो कस्टर्ड में यूज़ किया अपनी मर्जी असर जो मर्जी कस्टर्ड यूज़ करो। वैसे सब मैंगो यूज़ करने मैंगो ना कलर भी नाइस होना, दूसरा नंबर है इसका फ्लेवर खुशबू नाइस होनी है। जिस टाइम दुधा की उबाइल अच्छा उस टाइम मैं फिर दुधा तक उस उबाइल अच्छा लग गया। मैं इसने चीनी ऐड की सी, चीनी तुम अपने जायके मुताबिक इस्तेमाल कर सकने हो, लेकिन मैं इसने तकरीबन 1 कप चीनी यूज़ की सी क्योंकि लाइट चीनी से खाने ते तेज़ चीनी से इस्तेमाल ना करने। तुस जिस तरह खाने हो मुनासिब अपनी चीनी नहीं तुम उस तरह चखी के चीनी तुम बच सकने हो। चीनी पाई के चीनी हमेशा बॉयल आने तो बाद दुधा की बॉयल आई रहा फिर चीनी पाया करो, पहले चीनी ऐड ना करा करो। अगर चीनी तुम पहले ऐड कर सो दुध फटी भी सकना, सम टाइम ऐसी चीनी होनी जिसने बाड़े ना दुध फटी जाना हो। तो चीनी पाई के चंगे बॉयल दे के तो फिर मैं इसमें कस्टर्ड ऐड किया। तो मैं कस्टर्ड थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लगी हाँ क्योंकि एकदम कस्टर्ड ना पाने कोई पता नहीं थिक हो जाए। असं कि नॉर्मल कस्टर्ड चाहिए ना, जितनी थिकनेस चाहिए असं उतनी रखनी है इसने, बहुत ज़्यादा थिक कस्टर्ड असं नहीं चाहिए इसने। वैसे मैं थोड़ा थोड़ा करके मान लगी कि मैं तकसा इसी मैं थोड़ा ही बासा कस्टर्ड क्योंकि उस तो बाद मैं तकरीबन घंटा पूरा घंटा 1.5 घंटा मैं इसी हल्की आँच पर बिल्कुल पकाया सी कि बिल्कुल मठी मठी के पर पकना रहा सी। जितना इसी हल्की आँच पर पका सो तो सा कस्टर्ड इतना ही नाइस बन सी, इतना ही जायका हो सी उसने विच क्योंकि कस्टर्ड मैं तकने उस कस्टर्ड में तकरीबन पकानी रही जिस टाइम हल्की आँच पक सी ना कस्टर्ड उसका जायका ही टोटली चेंज हो सी। तकने उस 2 घंटे तकरीबन 1.5 घंटे बाद में कस्टर्ड इस तरह होया सी मेरा, मैं हूँ तकने उस बिल्कुल हल या इसे थिकनेस आई है थोड़ी जी। फिर मैं कस्टर्ड नहीं चूल्हा जरा बंद कर छोड़ा, उस तो बाद में इसे 2 घंटे ठंडा होने से रखी छोड़े आवे कि ठंडा हो जाए तो फिर इसी मैं सवैया सवैया जी मैं बालन लगी सा फिर मैं उसने च कर सा क्योंकि गर्म गर्म चीज़ सारी चीज़ा नहीं बाई ना होना। मैं और भी नाल कम करन लगी सा तो इधर मेरिया छोटिया अपने पापा ना खेलन लगी सन, उन्होंने स्कूल सी ईद मिलन पार्टी तो अपने पापा ने इंजॉय करनी सन, बैलून आते सन स्कूलों तो उन्होंने खेलन लगी सन। निक्कियां की थोड़ा टाइम देना चाहिए ना अपने वालदैन की अपने बच्चों की थोड़ा जो टाइम देना चाहिए ना कि बच्चे की कि बच्चे थोड़े रिलैक्स होन। कुछ माँ बाप इतने बिजी होने कि अपने बच्चों की टाइम बिल्कुल नहीं दे सकने। ऐ जी मैं सेवियां बॉयल करके ठंडिया करके मैं डोंगे बाई छोड़ियाँ सन, हूँ मैं इसने जली भी नाल बनाई, जली बनाने वैसे
एक कप में पानी लिया सी, ज़्यादा पानी नहीं सी लिया क्योंकि ज़्यादा पानी लिया सो तो जली उभरन लगी नहीं सी, पतली पतली बन सी। फिर मैं कस्टर्ड जरा ना डोंगे च बाया सी, मैं डोंगे कस्टर्ड बस तो मैं कॉकटेल फ्रूट जरा मैं वह मैं थोड़ा थोड़ा करके बसा के तकसा के कितना ज़रूरत है तो अपनी मर्जी है, ज़्यादा पसंद करो तो ज़्यादा बहुत थोड़ा, लेकिन सिर्फ ज़्यादा चीज़ा नहीं बने चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा ही कमजोर जहा बन जाना मेरे ख्याल में नाल नाल बाइक इतना तक नहीं जाता। जो मैं जली है ना वो बिल्कुल मैं एंड पर बाई सी बनाई है, जिस टाइम मैं सर्व किया कि पहले जली नहीं सी बाई क्योंकि पहले जली बहो तो इस तरह होना कि कलर छोड़ देनी है तो बिल्कुल वो कलर टोटली चेंज हो जाना। उस तो बाद फिर मैं बनाया सी चिकन बोनलैस हांडी मलाई हांडी, तो उसने वास्ते मैं ये पहले भी मैं रेसिपी शेयर की है प्रॉपर तरीके इफ्तार विच बनाई सी मैं, तो अगर तुम प्रॉपर रेसिपी तकना चाहते हो तो तुम मेरे चैनल पर जाओ, उतें मैं रेसिपी शेयर की है तो प्लीज़ तुम उतें तक ही गिनो क्योंकि इतने स्किप भी हो सकनी है, मैं नाल नाल दूसरे काम भी करन लगी सर नाल नाल बनान भी लगी सा। असा ऑयल गर्म हो जाए तो इस लहसुन ऐड कर सा, लहसुन जिस टाइम ब्राउन हो जाए तकरीबन लाइट जब ब्राउन हो सी तो फिर असा इसमें विच चिकन ऐड करी छोड़ सा। चिकन मैं बना लगी हाँ, नाल मैं बनाया सी मटर बनाया सी, उसकी रेसिपी मैं सुना ना शेयर कर सकी हो, मैं पहले बनाई के रखी छोड़िया सी, इस टाइम मैं इधर बना लगी हाँ मटर बनाई चुकी सा, हूँ मैं चिकन मलाई अंडी बना लगी सा। एक तकरीबन मैं अद्धी तैयार कर सू तो फुल जो तैयार कर मेहमान अफसर उस टाइम दूसरी हांडी फुल तैयार करिए तो मैं रख सा। चिकन की सही तरह इस करी के इस लहसुन में भुनी के असा फिर इस नमक हसबे जायका पा सा, नमक ऐड करके थोड़ा जा बिल्कुल थोड़ा जा फ्राई हो जाए चिकन। फिर असा इस ग्रैंड होया प्याज पाई तकरीबन दो तीन अदद छोटे छोटे मैं प्याज लहसुन उन्होंने मैं हरी मिर्च पाई सी, तुम ग्रैंड करी किंदा सी फिर वो ग्रैंड होया मैं मिक्सर जो सारा मैं पाया इसने विच हूँ असा प्याज की चिकन की थोड़ा जा भुनसा जिससे मैं थोड़ा जा भुजी जा सी। फिर इसने काली मिर्च ऐड कर सा, काली मिर्च तो अपने जायके मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ी या ज़्यादा तो अपनी मर्जी है। असा सारा खाना लाइट ही बनाया सी क्योंकि वो जो सर मेहमान सन उतने मर्चा नमक मर्च इतना नहीं सन खाने तो असा उसने मुनासिब बनाया सी सारा कुछ असा लाइट लाइट। फिर असा इस तो बाद इसने दही ऐड कर छोड़ सा, मैं एक कप पहले दही पाया फिर मैं लगा कि इसने दही थोड़ा घट है, फिर मैं इस तरह किया कि इसने मैं एक कप और दही पाई छोड़िया। स्वामी तकने जा करो जो मैं प्रॉपर शेफ तो ना बरल जिस तरह मैं बनानी है तुम शेयर करनी है। उस तो बाद मैं ओलपर मिल्क ओलपर क्रीम सॉरी ले सी तो वह मैं इसने विच ऐड की थी थोड़ी थोड़ी करके, सारिया चीज़ा बच्चे सटने जाओ तो हांडी बनी ही जानी है जिसका जो माड़ा ख्याल है। जिसा क्रीम सट्टियै थोड़ी देर सी ला सां जला सां फिर असें इसी रखी छोड़ सां, फिर जिस टाइम मेहमान आ सां मिट्टी नहीं हंडी ले सां उसने प्रॉपर फिर दोबारा असें इसी गर्म करके फिर क्रीम पाई के फिर असं बना सां। अज नाल मैं चिप्स तंदूरी चिप्स बना सा आलू तो उसने रेसिपी मैं तुम्हारा पहले भी शेयर कर चुकी हूँ रमज़ान में, तो सलाद शायद मैं कट्टी कुट्टी छोड़िया सी जी रख छोड़िया सी कट्टी कुट्टी के जोर सी बाद कले बने सब कुछ नाल नाल चलना सी गया। इधरों फिर मैं तंदूरी मसाला भी लगिया सी जिहड़ा वह थकिया हूँ सही हूँ टाइम हो गया उन्होंने आने नवे, फिर मैं चलो हूँ मैं रोस्ट भी तलना शुरू करी दिया।
चिकन तलना शुरू किया तो थोड़ी देर बाद उन्होंने आने का टाइम सी मैं ना ये चीज़ा तलियाँ उस तो बाद फिर मैं चीज़ा रखी छोड़ियाँ सन। जिस टाइम मेहमान आए से मैं उन्होंने मूवी ना बनाई सकी उन्होंने मैं वीडियो वगैरह ना बनाई सकी क्योंकि कुसै बंदे की पसंद होना वीडियो बनाना कुसै की नहीं पसंद होना नहीं चंगा लगना कुसै नहीं सा वीडियो बनाना। फिर इस वास्ते मैं सारी चीज़ा रेडी कीतियाँ सन जिस टाइम मेहमान आए सन फिर मैं उन्होंने सिर्फ खाना रखना ही सी मतलब बाकी सारिया माड़ी चीज़ा रेडियाँ सन। फिर आलू जो तले सन और मैं उस जिस टाइम आए सन उस टाइम ही तले सन ते मैं तुसें कि एंड सारी पिक्चर बनाई हैं दसा तुसें कि क्या क्या चीज़ा सारिया मतलब किस तरह रेडी हुई सन। फिर वीडियो में ना सब बनाई सकी क्योंकि अच्छा नहीं सी लगना जब मैं रोज तलनी सा पे तकरीबन तो फिर वो मेहमान मेरे आई गए सर। इस तो बाद मैं तुसानू कुछ ना शेयर कर जो कुछ मैं बनाया तो सन सामने मैं शेयर किया है दसियां सारिया चीज़ा इस नाल मिकी दियो इजाजत अल्लाह सुनने वाला है। मेरी कमेंट करके वाया करो कि मैं किस चीज़ किस तरह बनाई है किस तरह नहीं सब कुछ मैं तुसा सब किया से जो उसमें पिक्चर बनाई कि सर मैं तुसा शेयर करी छोड़ियाँ इस नाल दियो मिकी इजाजत अल्लाह सुनने वाला है। फिर कुसा और नई वीडियो ना मिल सा मैं चैनल को करा करो सब्सक्राइब लाइक तो शेयर अल्लाह सुनने वाला है। खुदा हाफिज़ जी बाय बाय।